नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं राजकुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो परीक्षा की तिथियां हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और परीक्षाएं मई में संचालित होंगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो लेवल होता है प्रश्नों को पूछने का, यह लेवल पीसीएस प्रीलिम्स या फिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं से थोड़ा सा अलग होता है। यहां जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनकी प्रवृत्ति थोड़ा सा गहरी होती है, सरफेसियल क्वेश्चन यहां पर नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, भारत का नंबर वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मिस्टर रवि सर के कुशल निर्देशन में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच, नया बैच प्रारंभ हो रहा है। और इस बैच में किसी भी जानकारी के लिए, चाहे एडमिशन प्रक्रिया हो या सिलेबस की जानकारी के लिए या किसी भी प्रक्रिया की जानकारी के लिए, दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एंट्री आर ओ आब्लिक ए आर ओ लिख करके व्हाट्सएप करना है 8736093317। जी हाँ दोस्तों, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और आप सभी को समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा या फिर पैटर्न के बारे में या फिर एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपको सारी जानकारी यहां से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हार्मोन और ग्रंथियां। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियां क्या होती हैं। तो हमारा आज का पहला जो विषय है वो रहेगा ग्रंथियां। पहले हम समझेंगे कि ग्रंथियां क्या हैं और ग्रंथियों को समझने के बाद हम समझेंगे हार्मोन क्या है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो लोग कहते हैं सर ये बहुत टफ होता है, ये जल्दी याद नहीं होता है, और यहां के जो हार्मोन होते हैं उनके नाम बहुत अंग्रेजी में बहुत टफ होते हैं, सरलता से याद नहीं होते। मैं कहता हूं अगर उसको हम लोग सरलता से पढ़ेंगे तो सरलता से जरूर याद होंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रंथियों पर, ग्रंथियां क्या होती हैं। अगर हम ग्रंथियों के बारे में इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ग्रंथि का मतलब गांठ होता है। लेकिन क्या ये एक, क्या गांठें ही मात्र होती हैं, ये हमको जानना का है क्या। दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। अगर ग्रंथियों की बात की जाए तो ग्रंथियां होती, यह भी एक स्रावी कोशिकाएं हैं, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो कुछ जूस का, कुछ रसों का स्राव करती हैं। यानी ग्रंथियां कोशिकाओं का वह समूह है जो कुछ रसों का स्राव करता है, कुछ जूस का सिक्रेशन करता है। अगर बात करूं मैं दोस्तों, ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां ऊतक होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां ऊतक होती हैं, यानी कि टिश्यू। और यदि बात की जाए कि टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। ये कोशिकाओं का समूह होता है और जो ग्रंथियां हमारी होती हैं वो अभी एक ऊतक है। अगर बात करी जाए कि हमारे शरीर में कुल कितने ऊतक हैं और ग्रंथियां किस प्रकार का ऊतक होती है, जैसे हम बढ़ते हैं ब्लड के बारे में तो कहते हैं ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, या जो हमारी मांसपेशियां हैं वो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो नर्व्स टिश्यू होती हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक उपकला ऊतक होता है। अगर ऊतकों की बात की जाए तो ऊतक कितना होता है? चार प्रकार का। एक होता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, और एक होता दोस्तों पेशीय ऊतक,
एक होता है संयोजी ऊतक, और एक होता है तंत्रिका ऊतक। यानी कि हमारे शरीर में कुल चार प्रकार के ऊतक होते हैं। तो अगर बात की जाए जो ग्रंथियां हैं वो क्या हैं, तो मैंने पहले आपसे बोला कि ग्रंथियां वे होती हैं, वे कोशिकाओं का वह समूह है जो कुछ न कुछ रसों का स्राव करता है। यानी कोशिका का वह समूह जो क्या करता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है, उसे हम ग्रंथियां कहते हैं। तो रस का स्राव करने वाली कोशिकाएं क्या होती, ग्रंथियां कहलाती हैं। अब मैंने कहा कि जो ग्रंथियां हैं कोशिकाओं का समूह है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक यानी कि कौन सा ऊतक, अगर दोस्तों हम बात करें कि हमारी ग्रंथियां कौन सा ऊतक है, तो ध्यान रखिएगा हमारी ग्रंथियां उपकला ऊतक होती हैं। कौन सी ऊतक, उपकला ऊतक होती हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, जो उपकला ऊतक होता है यहां से या कई या भी चार प्रकार का होता है, लेकिन ध्यान देना अगर बात की जाए हमारी ग्रंथियां कैसी हैं, तो घनाकार होती हैं। यानी ग्रंथियां हमारी घनाकार उपकला ऊतक हैं जो कुछ रसों का स्राव करती हैं। तो अगर ग्रंथ की बात की जाए तो ग्रंथि की परिभाषा आप दे सकते हो कि ग्रंथियां एक उपकला ऊतक हैं जहां से कुछ रासायनिक पदार्थों का या फिर जहां से कुछ रसों का स्राव होता है। अब यदि दोस्तों बात करी जाए कि जो हमारी ग्रंथियां होती कितने प्रकार की होती हैं, अगर यहां पर ग्रंथियों के प्रकार की बात की जाए कि ग्रंथियां हमारे कितनी प्रकार की होती हैं, तो आइए हम देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार कितने हैं। अगर ग्रंथियों के प्रकार की बात करें तो दोस्तों एक होता है वाय श्रावी ग्रंथि। वाय श्रावी ग्रंथि, ठीक, वायस्रावी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वायस्रावी एक्सोक्राइन। तो अगर एक्सोक्राइन की बात की जाए तो एक्सोक्राइन आखिर है क्या, और कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सोक्राइन है, या उसका वर्क क्या होता है। तो दोस्तों ग्रंथियां कुल मिलाकर के तीन प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन, एक इंडोक्राइन, एक मिक्स ग्लैंड होती है। देखिए अगर यहां बात की जाए वायस्रावी ग्रंथियों की, तो हम इसके बारे में ये कहते हैं दोस्तों कि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका युक्त होती हैं, ठीक, नलिका युक्त ग्रंथियां। यानी हम कह सकते हैं कि इन ग्रंथियों में क्या होता है, मान लीजिए ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि में दोस्तों क्या होता है, नलिकाएं होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, नलिकाएं होती हैं। और मान लीजिए जहां पर इस ग्रंथि का स्राव होना है, यानी ये नलिकाएं इस ग्रंथि के स्राव को सीधे टारगेट ऑर्गेन तक, ठीक, यानी कि जहां इसका प्रभाव होना है, यानी इसमें क्या है, इसमें हो गया, इसमें जो इसका रस है, इसमें इसका रस है, और जो नलिकाएं होती हैं इस ग्रंथि के रस को सीधा उस अंग तक पहुंचाती हैं जहां इसको जाना है, यानी कि इसका प्रभाव और कहीं नहीं हो पाता, सीधे उसी अंग पर होता है, यानी सीधे टारगेट ऑर्गन पर होता है जहां इसको जाना है, टारगेट ऑर्गन पर। यानी अगर बात की जाए जो वायस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं, और ये अपने रसों के स्राव को नलिकाओं के द्वारा सीधा कहां पहुंचाती है, जहां पर इसका वर्क होता है, जहां इसका कार्य है, जहां इसका कार्य क्षेत्र है, सीधे ये वहीं पहुंच जाती है और कहीं नहीं जाती। ये पहली बात हो गई, यानी कि ये रस जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं और ये अपने रासायनिक स्राव को सीधा कार्य क्षेत्र यानी जहां इसको जाना है अपने टारगेट पर ही छोड़ के आती है। और यदि इसमें आगे बात की जाए इसकी और क्या विशेषताएं दोस्तों हैं, तो ध्यान देना एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम का स्राव, ठीक, यह इसकी दूसरी विशेषता है। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं।
तो अगर एंजाइम की बात की जाए कि एंजाइम है क्या, तो ध्यातव्य रहे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और दोस्तों ये जो ग्रंथियां होती हैं ये अधिक मात्रा में एंजाइम का स्राव करती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये पाचन क्रियाओं में सहायता करते हैं, ठीक। यानी अगर हम बात करें वायुस्रावी ग्रंथियों की, तो वायुस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं और ये ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं दोस्तों। और एंजाइम जो यहां से निकलता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी अधिक मात्रा में निकलता है, ठीक। और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम पाचन क्रिया में सहायता करता है, ठीक। और एंजाइम का प्रभाव वही होता है जहां इस एंजाइम की आवश्यकता होती है, अर्थात कार्य क्षेत्र में। अगर बात की जाए इसी क्रम में जो अगली ग्रंथि हमारी है, और हाँ अगर वाय ग्रंथियों, अगर वायुस्रावी ग्रंथि के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें, तो देख लीजिए जैसे लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो यह भी क्या है, एक्सोक्राइन है। या फिर अगर हम बात करें दोस्तों हमारी जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, टियर ग्लैंड होती हैं, वह भी वायुस्रावी ग्रंथियां हैं। या इसके अलावा बात करें दोस्तों तेल ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि है, ये सभी क्या होती है, वायुस्रावी ग्रंथियां होती हैं जहां से एंजाइम का स्राव होता है। और वायुस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, इनमें नलिकाएं होती हैं, और वे नलिकाएं अपने स्राव को, अपने रासायनिक स्राव को सीधे आवश्यक अंग के पास, सीधे टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा देती है। और यदि इसी क्रम में बात किया जाए, दूसरी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को हम बोलते हैं एंडोक्राइन। इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए, तो जहां पर हमने देखा कि वायुस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, वहीं अगर इनकी बात की जाए, तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं नलिका विहीन होती हैं, यानी इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। ये क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। अगर नलिका विहीन की बात की जाए, तो मान चलिए कि यहां यह हार्मोन का जो है, या जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का रस है, सिक्रेशन होता है, या इनका रासायनिक पदार्थ है, और ये ग्रंथियां क्या करती है, नलिका इसमें नहीं होती, तो ये अपने रासायनिक पदार्थ को सीधे ब्लड में, सपोज करिए क्या सीधा ब्लड है, तो दोस्तों सीधा क्या करती है, सीधे ब्लड में, यानी अपने स्राव को सीधा ब्लड में खोल देती है, सीधा ब्लड में खोल देती है, ठीक। और उसके बाद जो ये ब्लड होता है पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है नलिका विहीन होने के कारण, वो सीधे स्राव ब्लड में पहुंचता है, रुधिर में पहुंचता है, और रुधिर में पहुंचने के बाद आवश्यक अंग के बाद के पास पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती है और अपना स्राव सीधा कहां गिराती है, सीधा अपना स्राव ये रुधिर में गिराती है, इसीलिए इनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थों का जो प्रभाव होता है वो अति शीघ्र, यानी कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। यानी इन ग्रंथियों का जो स्राव है उसका जो प्रभाव होता है रक्त में मिल जाने के कारण शीघ्र ही पूरे शरीर में पहुंच जाता है और इनका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, अपना स्राव सीधे ब्लड में गिराती हैं, और वायुस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं और अपने स्राव को एक नली के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पहुंचाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से इसको हम समझेंगे। अब रही बात कि यहां से स्राव किसका होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोनों का स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं।
अब देखिए यहां दो बातें, पहली बात हमको जानना पड़ेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, और देन उसके बाद हार्मोन क्या है। और दोस्तों ध्यान देना, ये हार्मोन का स्राव करती है बहुत अल्प मात्रा में, फिर भी हार्मोन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ही तेजी से अतिशीघ्र और अधिक मात्रा में होता है। अगर हार्मोन की बात की जाए तो हार्मोन में कुछ प्रोटीन जैसे पेप्टोन पेप्टाइड और हार्मोन में कुछ स्टेरॉइड पदार्थ भी मिले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अंतःस्रावी क्या है या फिर हार्मोन क्या है, तो इसको समझने के लिए हमको आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडोक्राइन सिस्टम की, सो फ्रेंड सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थॉमस एडिसन ने बताया था। किसने? थॉमस एडिसन ने। इसके बारे में सबसे पहले थॉमस एडिसन ने जानकारी दी थी, इसलिए थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहते हैं, और इन्हीं के नाम पर एक एडिसन रोग होता है, तो एडिसन रोग का भी नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया था। तो अगर आपसे मैं अंतःस्रावी की बात करूं तो सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र जो शब्द है या इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो थॉमस एडिसन ने प्रस्तुत की थी, इसीलिए थॉमस एडिसन साहब को हम अंतःस्रावी तंत्र का जनक भी कहते हैं। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि यहां से हार्मोन निकलता है, तो हमको समझना पड़ेगा कि हार्मोन आखिर है क्या, ठीक। तो दोस्तों अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती यहां से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और मैंने बताया आपको कि हार्मोन में क्या होता है, कुछ प्रोटीन के अंश होते हैं, कुछ स्टेरॉइड होते हैं, कुछ फैट भी होती है। तो अगर हार्मोन की बात की जाए, सो फ्रेंड जो हार्मोन शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के हार्मीन से आया हुआ है, ठीक। सो फ्रेंड्स क्या है कि ये ग्रीक भाषा के हार्मीन से आया है। अगर हम हार्मीन के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू स्टीमुलेटिंग, टू स्टीमुलेटिंग या एक्साइट। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो हार्मोन, दोस्तों जो हार्मोन शब्द है इसका मतलब होता है टू स्टीमुलेटिंग या एक्साइट होता है। अगर टू स्टिमुलेटिंग की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक या उत्तेजक। और यदि बात की जाए एक्साइट की तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना, ठीक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, उनको हम हार्मोन कह सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं होगी। तो हार्मोन जो शब्द है ग्रीक भाषा के हार्मीन से आया है, और हार्मीन का दो अर्थ है, एक होता है प्रेरक यानी कि उत्तेजक की भांति कार्य करना, शरीर की जैविक क्रियाओं को अचानक सडनली क्या कर देना, बढ़ा देना। तो हार्मोन वही पदार्थ है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने का दोस्तों कार्य करता है, तो उसको हम हार्मोन कहते हैं। यदि देखिए हार्मोन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले इस हार्मोन की खोज 1905 में 1905 में स्टार्लिंग ने किया था। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्लिंग ठीक। तो सबसे पहले 1905 में स्टार्लिंग ने क्या किया था, हार्मोन को दोस्तों हार्मोन की खोज की थी, और इसके बाद
हक्सले नामक वैज्ञानिक थे। दोस्तों इसके बाद हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे कहा था रासायनिक संदेश वाहक, ठीक। इसके बाद इसी हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक, संदेश वाहक ये कहा था हक्सले ने। ठीक, यानी सबसे पहले इसको हार्मोन खोज और शब्द सबसे पहले स्टार्लिन ने किया 1905 में, और इन हार्मोन को संदेश वाहक किसने कहा? हक्सले ने कहा था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हार्मोन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि विकास या हमारे शारीरिक अंगों का कार्य करना या अन्य जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन सभी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को सडनली जनरेट करने वाला कार्य कौन करता है? हार्मोन करता है। और हार्मोन का स्राव कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इसीलिए इन ग्रंथियों का स्राव सीधा रुधिर में होता है जिससे शीघ्र ही यह हार्मोन पूरे शरीर में फैल जाते हैं और अपना प्रभाव शीघ्र और अधिक मात्रा में कर देते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहां हमने जान लिया हार्मोन क्या है या फिर एंजाइम क्या है, और आगे अगर बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आगे क्या है? आगे है नंबर तीसरी ग्रंथि। अगर बात करें यहां पर तो इस ग्रंथि को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इसे हम कहेंगे मिक्स ग्लैंड। अगर हम मिक्स ग्लैंड की बात करें या आपसे हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो वायुस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। यानी ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो वायुस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। यानी दोस्तों ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रेट करती हैं, दोनों का सिक्रेशन करती हैं, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। यानी यहां से एंजाइम और यहीं से हार्मोन दोनों का स्राव हो जाता है। तो यानी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां कुल तीन प्रकार की होती हैं। अगर मैं आपसे मिश्रित ग्रंथि की बात करूं तो हमारे बॉडी में पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय से एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है और हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। तो हम पैंक्रियाज को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, यानी वो ट्रिप्सिन एंजाइम का और इंसुलिन हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, इसीलिए हम अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सो फ्रेंड बेसिकली हमें आज जानना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कुल कितनी होती, कहां कहां होती हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर ही केंद्रित है, क्योंकि जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से अधिक मात्रा में बन जाते हैं। देखिए कुछ किताबों में इसके बारे में अभी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उन सभी कंफ्यूजन्स को, उन सभी प्रॉब्लम्स को दोस्तों हम यहां पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करूं तो हमारे शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे अगर बात की जाए शुरू से लेकर के टॉप टू बॉटम की बात करूंगा मैं, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक की, टॉप टू बॉटम की बात की जाएगी यहां पर। अगर बात की जाए कि सिर में यानी कि हेड, यहां पर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं इसको हम समझेंगे सीरियल वाइज। क्लियर,
तो सबसे पहले जो ग्रंथि यहां पर होती है, जो सबसे पहली यहां ग्रंथि दोस्तों है, वो है पीनियल काय। सबसे ऊपर क्या होती है? पीनियल काय। ये सबसे ऊपर होती, मैंने क्या बोला आपसे, हम शीर्ष से पढ़ेंगे नीचे की ओर। तो पहली ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल काय। यदि मैं इसके बाद बात करूं दूसरी, तो दूसरी होती है हाइपोथैलेमस। अगर हम पीनियल काय की बात करें तो दोस्तों पीनियल काय को हम लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसके कारण कितने हैं मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और इसके बाद दोस्तों हाइपोथैलेमस का है, तो हाइपोथैलेमस को हम हेड मास्टर बोलते हैं, इसको हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ये कई नाम दोस्तों इसके होते हैं, क्योंकि यह सीधे मास्टर ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, अगली कौन सी ग्रंथि है? अगली ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सो फ्रेंड, ये रहा हमारे सिर में जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो पहली ग्रंथि है, सबसे ऊपर होती है पीनियल, उसके बाद हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीयूष ग्रंथि होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला भाग क्या होता है दोस्तों? अगला भाग है गला। तो अगर बात की जाए कि गले में कौन सी ग्रंथि है, तो देखें यहां पर भी यहां पर दो ग्रंथियां होती हैं, दोनों से प्रश्न पूछता है। अगर बात की जाए पहली ग्रंथि की, तो पहली क्या है? पहली होती है थायराइड ग्रंथि। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहां परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ये गले में ही होती है, एच के आकार की। इस बात को आप गौर करिएगा, यानी गले में होती है, एच के आकार की होती है। और यदि इसके बाद की बात की जाए तो इसी में, इसी ग्रंथि में, थायराइड के अंदर ही एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम है पैराथायराइड। ठीक, पैराथायराइड। तो पैराथायराइड यानी थायराइड ग्रंथि के अंदर, अंदर वाले भाग में एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायराइड। और ये अंदर होती है, प्रश्न यहां से परीक्षा में कैसे पूछता है कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, सोचिए सोचिए आप लोग कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि किसे कहते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या बताओगे? पैराथायराइड को ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। यदि हम दोस्तों आगे बात करें तो जो अगली हमारी ग्रंथि है वो होती है हमारे वक्ष में। कहां होती है? वक्ष में होती है। अगर इसकी बात की जाए कि वक्ष में कौन सी ग्रंथि है, सो फ्रेंड यहां होती है बुढ़ापे की ग्रंथि, जिसको हमने क्या नाम दिया है? थायमस ग्लैंड। थायमस ग्रंथि, इसको हम कहते हैं बुढ़ापे की ग्रंथि, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है? खत्म हो जाती है, केवल डोरी की तरह बचती है ये, तो इसको हम कहते हैं बुढ़ापे की ग्रंथि। एंड फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे वक्ष में, यानी कि वक्ष कहां से होता है? यहां देखिए डायाफ्राम है, ये ऊपर वाला भाग वक्ष होता है और डायाफ्राम के नीचे वाला भाग हमारा उदर होता है, एब्डोमन होता है, ठीक है ना। इधर दोस्तों हमारा वक्ष हो गया, नीचे क्या होता है? नीचे हमारा उदर होता है, और उदर और वक्ष दोनों डायाफ्राम से ही अलग होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसके मैं आगे बात करूं आपसे, आगे जो हमारा उदर है, उदर गुहा में कौन सी ग्रंथि, यानी हमारे एब्डोमन में कौन सी ग्रंथि होती है, अगर इसकी बात करी जाए आप सभी से, तो फ्रेंड्स यहां देखिए अधिब्रिक, और अधिब्रिक ग्रंथि को हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और इसी ग्रंथि को हम कहते हैं 4S ग्लैंड, क्योंकि यह सुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स,
इन सभी को यह नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रेनल ग्लैंड को हम कहते हैं 4S, सुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स, इन सभी को नियंत्रित कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और इस ग्रंथि को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, यानी एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं, और इससे निकलने वाले हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं, क्योंकि यह रुकी हुई हृदय की धड़कन को भी चालू कर देते हैं। चलिए, यदि हम इसमें आगे बात करें तो हमारे उदर गुहा में ही एक और ग्रंथि होती है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? अंडाशय। और अंडाशय ऐसी ग्लैंड है जो केवल महिलाओं में होती है। अंडाशय किसमें होती? केवल महिलाओं में होती है। यह केवल कहां होती है? अंडाशय केवल महिलाओं में होती है। और यही से यहां से दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यह उदर में होती है। अब एक ग्रंथि और जो नर में होती है, पुरुषों में होती है, और वह ग्रंथि हमारे शरीर के बाहर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं उदर गुहा के दोस्तों बाहर होती है। और यह ग्रंथि कौन सी है जो कि उदर गुहा के बाहर होगी? इसका नाम है टेस्टिस, यानी कि वृषण। तो इसे हम कहते हैं उदर गुहा के बाहर। अगर उदर गुहा के बाहर की बात की जाए, यानी एब्डोमेन से बाहर की बात दोस्तों की जाए, शरीर से बाहर की बात की जाए, तो कौन सी ग्रंथि है? वह ग्रंथि होती है वृषण, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। यानी ओवरी ओनली फीमेल में है, और टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस केवल पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में। तो दोस्तों ये केवल पुरुषों में होता है टेस्टिस, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यदि बात की जाए कि टोटल कुल ग्लैंड कितनी होती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती हैं, अगर यहां टोटल की बात करी जाए तो कुल कितनी होती भाई? 9 होती है। कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां 9 होती हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि फीमेल में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर वृषण केवल पुरुषों में होता है, तो इसको छोड़ देंगे, आप क्या बताएंगे? 8। क्लियर? अगर पूछता है केवल मेल में कितनी होती हैं, तो मेल की अगर हम बात करेंगे तो यहां जो ओवरी है, अंडाशय, इस ओवरी को हम छोड़ करके काउंट करेंगे दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, कितनी हो जाएंगी मेल में? 8। ठीक, तो मेल में क्या होगा? मेल में हम ओवरी को छोड़ के बात करेंगे और फीमेल में टेस्टिस को छोड़ करके बात करेंगे। यही कुल होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यही से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न बनता है। तो दोस्तों आइए हम आज आपको शुरू करते हैं आपके साथ पीनियल ग्लैंड, जो पहली ग्लैंड है, हम देखते हैं कहां होती है, क्या इसका वर्क है, और यहां से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बहुत सारे पॉइंट्स यहां आपको जानने जरूरी होते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ध्यान देना। आप लोग पीनियल का है, लैंगिक जैविक घड़ी है, हाइपोथैलेमस, इसको ग्रैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ ग्लैंड दोस्तों, या फिर इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, सॉरी इसको बोलते हैं हेड मास्टर, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, थाइमस है बुढ़ापे की ग्रंथि, उसके बाद दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? 4S ग्रंथि है या इमरजेंसी ग्लैंड है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे नाम हैं और सब ग्रंथियों का अलग अलग कार्य है, क्योंकि यहां से निकलने वाले हार्मोन हमारी सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो हमारा आज इसके बाद देखिए हम पहली ग्रंथि अर्थात इस पीनियल काय को पढ़ने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीनियल काय से किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकता है। तो पीनियल काय, पीनियल काय ग्रंथि, इसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं,
और सबसे पहले हम समझेंगे कि इस ग्रंथि की स्थिति कहां होती है और इस ग्रंथि से प्रश्न किस प्रकार दोस्तों पूछ सकता है। देखिए हम जानते हैं दोस्तों ये हमारी ग्रंथि कहां होती है, ये होती मस्तिष्क में। अगर हम बात करें ये होती कहां दोस्तों, ये मस्तिष्क में होती है। तो मस्तिष्क देखिए ये हो गया, और मस्तिष्क हमारा तीन प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, बीच में होता है मध्य मस्तिष्क, और पीछे क्या है पश्च मस्तिष्क। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, और ये क्या हो गया पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में दोस्तों क्या होता है, अग्र मस्तिष्क में लगभग 99% भाग क्या होता है सेरेब्रम होता है। क्या होता है सेरेब्रम, हमारे अग्र मस्तिष्क का 99% भाग क्या होता है सेरेब्रम होता है। और यहां देखिए जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं डाई एनसीफेलॉन, इस भाग को हम कहते हैं डाई एनसीफेलॉन। तो अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक सेरेब्रम और एक डाई एनसीफेलॉन होता है। सेरेब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का 99% भाग होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में, ठीक, अब मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में या अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम में, देखिए सेरेब्रम क्या हो गया, ये अग्र भाग हो गया, ये आगे वाला भाग है, ठीक, ये कौन सा भाग है, ये आगे वाला भाग है, अधर भाग है, ठीक है। लेकिन जो पीनियल ग्रंथि होती है वो कहां होती है, इस सेरेब्रम के अधर भाग में नहीं होती, बल्कि सेरेब्रम के पृष्ठ भाग में होती है। देखिए अधर की बात अगर हम करें दोस्तों, अगर हम आपसे अधर की बात करें तो अधर भाग क्या होता है, ये आगे वाला भाग क्या है, अधर भाग है, सामने वाला भाग है। अगर हम पृष्ठ की बात करें तो ये जो पीठ हमारी है क्या, ये पृष्ठ भाग है, यानी पीछे वाला भाग है। यहां पर जो पीनियल ग्रंथि होती है वो इस सेरेब्रम के प्रमस्तिष्क को, ध्यान देना इसको हम हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं, टॉपिक आएगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ये प्रमस्तिष्क होता है। तो इसी प्रमस्तिष्क के पृष्ठ में क्या होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। इसके पीछे कहीं भी क्या होती है दोस्तों, इसके पीछे कहीं भी हमारी पीनियल ग्रंथि अवस्थित होती है। तो आपने देख लिया इसकी अवस्थिति कहां होती है, आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर बात की जाए स्थिति की, अगर स्थिति की बात की जाए तो मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क प्रामस्तिष्क में कॉमा के आकार की तो आपने देख लिया कि इसकी स्थिति कहां है, यह मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में कॉमा के आकार की उपस्थित ग्रंथि होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत मैं इसको इजी वे में बता रहा हूं आपको, ताकि भूलने की कोई संभावना न बचे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, तो अच्छे लेवल दोस्तों प्रश्न हमको पढ़ना है, तो ध्यान रहे इसको पढ़ने के लिए हमें उस तरह की तैयारी भी करनी होगी। तो इसकी स्थिति होती है मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में ये कॉमा के आकार की उपस्थित ग्रंथि है। अगर बात करें यहां से किस हार्मोन का स्राव होता है, फ्रेंड्स अगर मैं यहां से निकलने वाले हार्मोन की बात करूं तो देख सकते हैं आप, यहां से जो हार्मोन निकलता है, यानी यहां से जो हार्मोन निकलता है वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन। यहां से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन अकेले नहीं कार्य करता, बल्कि इस हार्मोन के साथ एक हार्मोन और होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से
दोस्तों यहां से निकलता है एम एस एच, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहां से निकलता है एम एस एच, जिसको हम कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मिलेनो साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी अगर बात की जाए इसके हिंदी में तो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, यानी दो हार्मोन, एक पीयूष ग्रंथ से निकलता है मिलेनिन हार्मोन और एक निकलता है पीनियल से मेलाटोनिन हार्मोन। दोस्तों ये दोनों हार्मोन निकल करके दोनों साथ में कार्य करते हैं, दोनों एक युग्म में कार्य करते हैं, और जब ये कार्य करते हैं तो ये दोनों हार्मोन मिल करके त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। जी हाँ, यही दोनों हार्मोन जो हमारी स्किन का कलर होता है, ये यही दोनों हार्मोन स्किन के कलर को डिसाइड करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं आपसे तुरंत अभी। ठीक, अगर बात की जाए कि किस प्रकार से चर्चा करते हैं इसको, देखिए तो अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों यहां जो एमएसएच हार्मोन है इसका अलग कार्य होता है। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं कि ये कार्य क्या करता है, तो दोस्तों ध्यान देना, हमारी त्वचा के निर्धारण के लिए एक वर्णक निकलता है त्वचा में, क्या होता है एक्चुअली दोस्तों, जो त्वचा हमारी होती है, त्वचा में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मिलेनोसाइट सेल होती हैं, मिलेनोसाइट कोशिकाएं, हमारे कोशिकाओं में मिलेनोसाइट सेल होती है और त्वचा में जो रंग होता है, त्वचा का रंग, वो मिलेनिन नामक जो हमारी त्वचा होती है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, यहां पर त्वचा से एक वर्णक निकलता है, ठीक है, त्वचा से क्या होता है वर्णक निकलता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिलेनिन। हमारे त्वचा से एक वर्णक निकलता है जिसका नाम क्या है, मिलेनिन नाम है, ठीक है। ये जो वर्णक है ये कहां से निकलता है, ये निकलता है त्वचा से। अब इस वर्णक का निर्माण कौन करता है, सो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस वर्णक का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में एमएसएच हार्मोन करता है, मिलेनिन वर्णक का निर्माण, वर्णक का निर्माण, ठीक। तो अगर प्रश्न यह बनता है कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण कौन करता है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताओगे, ये करता है एमएसएच हार्मोन, ठीक है ना। तो ये मिलेनिन वर्णक का निर्माण भी करता है और मिलेनिन को जो हमारी कोशिकाएं होती हैं त्वचा में, मिलेनोसाइट कोशिकाएं, इसमें क्या करता है, इसमें फैलाता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से फैलाता है। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए, देखिए यहां हो गया एम एस एच यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फ्रेंड्स यहां क्या हो गया, यहां हो गया मेला टोनिन हार्मोन। अब देखिए यहां जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए क्या है, त्वचा कोशिका है, त्वचा कोशिका, और कौन सी कोशिका होती है दोस्तों, ये त्वचा की कोशिका हमारे है, स्किन सेल है, ये इसका नाम क्या है, मिलेनोसाइट है, ठीक, इसका नाम क्या है, मिलेनोसाइट। देखिए अब इसमें बीच में क्या दोस्तों होता है, बीच में होता है मिलेनिन, इसके बीच में क्या है, मिलेनिन होता है। अब इस मिलेनिन को यहां जो एमएसएच हार्मोन है, इस मिलेनिन को क्या करता है, इसको फैलाता है, ठीक, क्या करता है, इसको फैलाता है,
यानी मिलानिन जो वर्णक है, मिलानिन वर्णक से क्या होता है, त्वचा का रंग निर्धारित होता है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान देना, यहां जो MSH हार्मोन है इसका दो कार्य होता है। पहला होता है मेलानिन का निर्माण करना, का निर्माण, दूसरा होता है मेलानिन को कोशिका में फैलाना, इसका दो कार्य होता है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि मेलानिन से ही त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। अब अगर बात करें हम यहीं पर मेलाटोनिन कैसे करता है, दोस्तों मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो मेलानिन को ठीक क्या करता है, जो मेलानिन को जो कि बीच में होता है मेलानिन, जो मेलानिन को अंदर की ओर केंद्रित करता है, ठीक। यहां जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन क्या करेगा, मेलानिन को इस कोशिका में, मेलानोसाइट कोशिका में मेलानिन को, मेलानोसाइट ये मेलानोसाइट कोशिका। सो फ्रेंड्स यहां मेलाटोनिन क्या करता है, मेलानिन नामक वर्णक को जो कि हमारी कोशिका में है, कौन सी कोशिका में, त्वचा कोशिका में, त्वचा कोशिका कौन सी कोशिका है, मेलानोसाइट कोशिका है। तो इस त्वचा कोशिका के बीच में क्या होता है, पिगमेंट होता है मेलानिन, और इस पिगमेंट को चारों तरफ फैलाने वाला कार्य कौन करता है, मेलाटोनिन करता है। और इस वर्णक को, इस पिगमेंट को, मेलानिन को मेलानोसाइट कोशिका में फैलाता कौन है, तो फैलाता है MSH हार्मोन, ठीक। अब दोस्तों देखिए, अगर मेलानिन एक जगह इकट्ठा होता है, अगर जगह इकट्ठा होता है तो त्वचा का रंग क्या होगा, गहरा होगा। अगर मेलानिन फैलेगा तो त्वचा का रंग हल्का होगा। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो मेलाटोनिन है ये मेलानिन वर्णक को कोशिका में एक जगह इकट्ठा कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, यानी कि अर्थात ये मेलानिन जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो त्वचा का रंग कैसा होगा, गहरा हो जाएगा, ठीक। क्या होगा दोस्तों, गहरा होगा। और यदि हम बात करें आगे, जो यहां पर MSH हार्मोन है मेलानिन का निर्माण भी करता है और मेलानिन को कोशिका में क्या करता है, फैलाता है। तो जब मेलानिन फैल जाएगा तो रंग क्या होगा, रंग हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो MSH हार्मोन है त्वचा का रंग हल्का करता है और जो मेलाटोनिन हार्मोन है त्वचा का रंग गहरा करता, किसके द्वारा, मेलानिन के द्वारा। अगर मेलानिन की बात की जाए तो मेलानिन दोस्तों त्वचा के रंग का निर्धारण भी करता है, ठीक। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं इनसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये कौन करता है दोस्तों, तो ये मेलानिन करता है। तो आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि मेलाटोनिन मेलानिन को कोशिकाओं में इकट्ठा करता है जिससे त्वचा का रंग गहरा होता है, और वहीं पर MSH हार्मोन यहां जो मेलानिन है इसको कोशिकाओं में फैलाता है जिससे त्वचा का रंग हल्का होता है। तो अगर मेलाटोनिन बढ़ेगा तो व्यक्ति और काला होगा, क्लियर। और दोस्तों यदि MSH बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वचा का रंग हल्का होगा। बस यही आपको समझना था। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए जो मेलानिन है ये क्या करता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है और हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, ठीक। दो कार्य करता है मेलानिन। अब देखिए एक पॉइंट और, अभी आपने देखा था यहां पर कि जो मेलाटोनिन है ये मेलानिन को कोशिकाओं में केंद्रित करता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मेलानिन का केंद्रण संकेंद्रण घनत्व अधिक हो जाता है तो उस स्थान पे क्या होता है, काले काले बिंदु पड़ जाते हैं जिनको हम तिल कहते हैं। तो त्वचा पे तिल का निर्धारण कौन करेगा, ये करता है मेलाटोनिन हार्मोन। इस बात को आप अच्छी तरह से
नोट कर लीजिएगा कि त्वचा पर तिल का निर्धारण कौन करेगा, तो दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने यहां देखा कि मेलानिन क्या कर रहा है, त्वचा का रंग भी तय कर रहा है और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से हमको बचा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन यह बनता है कि अफ्रीका के लोग अत्यधिक काले क्यों होते हैं। प्रश्न ऐसा भी बनता है कि अफ्रीका के लोग इतने काले क्यों होते हैं, तो देखिए होता यह है कि वहां पर सूर्य का प्रभाव यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है, तो जितनी अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उतनी अधिक मात्रा में ही में मेलानिन का स्राव होता है, क्योंकि मेलानिन ही पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो जितना अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उतनी ही मात्रा में मेलानिन का स्राव भी हो जाता है, और इसीलिए अधिक स्राव से त्वचा का रंग कैसा होता है दोस्तों, त्वचा का रंग गहरा यानी कि काला हो जाता है। इस बात को आप लोग गौर करिएगा। अब देखिए इसमें अगर मैं आगे बात करूं कि इसका क्या महत्व है आखिर पीनियल ग्रंथि का, तो दोस्तों इसके कुछ महत्व और भी हैं। जैसे होता यह है कि हम लोग बहुत समय से सोते हैं या फिर समय से जगते हैं, या दोस्तों और चीजें होती है, क्या होता है कि हम लोग निश्चित समय पर सोते हैं, भाई रात में सोना दिन में जगना, या फिर सुबह शीघ्र ही उठ जाना, ये जब भूख लगती तो खाना खाते हैं निश्चित समय पे, यानी हर एक चीज का हर एक कार्य का निश्चित समय हम लोग देखते हैं। तो आखिर इस निश्चित समय का निर्धारण हमारे शरीर में कौन करता है? महिलाओं में मासिक धर्म आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल 28वें दिन दोस्तों आता है, तो वह भी निश्चित समय पे आता है। तो इन सबको कौन देखता है, कौन नियंत्रित करता है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा निश्चित समय पर सोना जागना मासिक धर्म भोजन इत्यादि क्रियाएं। सो फ्रेंड्स ये क्रियाएं कब होती है? क्रियाएं होती है निश्चित समय पर। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये निश्चित समय पर कैसे होता है। अगर कभी हम सोते हैं और सुबह हमें कहीं जाना होता है तो हमने अलार्म लगाया 5 बजे का, तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि अलार्म के बजने के जस्ट पहले ही क्या होता है, हम उठ जाते हैं। आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ, अलार्म के बजने के पहले ही हम कैसे उठ गए? देखिए चूंकि हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, और यह पीनियल ग्रंथि दोस्तों हमारे शरीर में अलार्म का काम करती है और हमें अलार्म बजने के कुछ देर पहले ही जगा देती है। ठीक, तो दोस्तों इसको हम जैविक घड़ी भी कहते हैं, प्लस लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, ध्यान देना आप लोग, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है दोस्तों उसको भी यही नियंत्रित करती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हमारे सोने और जागने के चक्र तथा लैंगिक परिपक्वता को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि भी यही होती है, तो इसको हम लैंगिक जैविक घड़ी की संज्ञा देते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे ही हम लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे अंदर सोने और जागने के चक्र दोस्तों या इसके अतिरिक्त लैंगिक परिपक्वता को भी नियंत्रित करती है, और इसीलिए इसको हम लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट जान लीजिए आप लोग, दोस्तों 12 से 14 वर्ष में क्या होता है, 12 से 14 वर्ष में दोस्तों इस ग्रंथि में कैल्शियम कार्बोनेट
इस ग्रंथि में क्या होता है, इसी ग्रंथि में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट ये जो है यह जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के जमा होने से यह ग्रंथि एक पाउडर के रूप में, एक डस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हम इसे कहते हैं मस्तिष्क का रेत। मस्तिष्क का रेत किस ग्रंथि को कहते हैं, तो ये हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। इस बात को भी दोस्तों आप गौर करिएगा कि पीनियल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क का रेत कहते हैं, क्योंकि 12 से 14 वर्ष की उम्र तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में डस्ट जमा होती है, एक धूल जमा होती है, ठीक है दोस्तों। इसका आकार क्या होता है, खुरदुरा हो जाता है दोस्तों, और इसीलिए यह पदार्थ पीनियल ग्लैंड को नष्ट कर देता है। तो इस पदार्थ को हम या इस ग्रंथि को हम मस्तिष्क का रेत कहते हैं, और यहां से सेराटोनिन हार्मोन का भी स्राव होता है। सो फ्रेंड ध्यान देना, आपको इस ऐसे ही क्लास लगातार मिलती रहेगी, और यदि दोस्तों आप ऐसे ही क्लास चाहते हैं तो आपको समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का बैच ज्वाइन करने के लिए, जो कि टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मिस्टर रवि सर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस बैच के विषय में किसी भी जानकारी के लिए आर ओ ए आर ओ लिख करके व्हाट्सएप नंबर दिया गया 8736093317, इन नंबरों दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना होगा, और व्हाट्सएप करने के बाद एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ अलग, कुछ नया बताने का प्रयास किया है, आगे भी आने वाली क्लासेस में आपको कुछ अलग देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से प्रश्न अधिक मात्रा में आते हैं। और अगर फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।